अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सब लोगों के। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कैसे जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट अपना बना सकते हैं, अच्छा सा इंस्टाग्राम स्टोरीज जो है वो आप अच्छी सी बना सकते हैं। इवन यू गाइस कैन आल्सो मेक द यूट्यूब थंबनेल। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों से आप कमा कैसे सकते हैं, दैट्स द मेन टॉपिक। हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले, ठीक है, आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है canva.com, canva.com, ठीक है। canva.com पे आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको, मैंने तो अपना अकाउंट सिंपली क्रिएट किया हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास ऐसी जो है ये स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ये है कि आप लोग जो है वो साइनअप पे जाएगा, साइनअप पे जाने के बाद डायरेक्ट जो है अपने फेसबुक से साइनअप कर लीजिएगा, ठीक है। बट मैंने किया हुआ है तो मुझे नीड नहीं है, तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट अपने फेसबुक से साइनअप कर सकते हैं और ईजिली उसको लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। खैर, मेरा तो लॉग इन हुआ हुआ है तो मुझे नीड नहीं है। तो जैसे ही आप लोग कैनवा पे आते हो तो देखो आप कैनवा पे, यहाँ पे आप टैम्पलेट्स होम है, ठीक है, यहाँ पे टैम्पलेट्स हैं। अब आप जैसे ही टैम्पलेट्स पे आओगे तो ये देखो यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक कवर है, ट्विटर पोस्ट है, पिंट्रेस है, ठीक है। इवन ये है कि आप प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हो, आपका विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, रिज्यूमे बना सकते हो, ठीक है। टी शर्ट के डिज़ाइन जो है, इवन यू गाइस कैन आल्सो मेक द टी शर्ट डिज़ाइन। सेकंड ये है कि आप को जो चीज़ चाहिए, जैसे कि अगर आपको अगर इफ़ यू आर अ यूट्यूबर, ठीक है, तो हर यूट्यूबर जो है वो अपने चैनल का थंबनेल बना रहा होता है, तो यूट्यूब थंबनेल अगर आप लिखेंगे तो देखो यूट्यूब, जैसे आप यूट्यूब लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यूट्यूब चैनल आर्ट, यूट्यूब डिस्प्ले एड, यूट्यूब आइकन, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब आप आते हो, जैसे कि अब आपने कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है किसी क्लाइंट के लिए या इवन अपने लिए, आप सिंपल से यहाँ पे आए, ठीक है। आने के बाद आपने जाना है इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। जैसे ही आप आ गए यहाँ पे, आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम के जो है वो पोस्ट नज़र आ जाएंगे रेडी टू मेड, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा बहुत, ठीक है, आपने इजी ड्रैग एंड ड्रॉप है ये, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपने सिंपल सी अपनी पिक्चर्स लेनी है, इस पर डालनी है, देन योर पोस्ट इज रेडी, ठीक है। तो सबसे पहले आते के साथ ही आप एक काम ही करें, आपने आना है यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट हो गए तो देखो आपका ये जो एक वाइट है, ठीक है, एक साइज़ आ गया। अच्छा, सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे कैनवा की जो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है वो यही है कि आप ना जो भी साइज़ हैं, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट का कर रहे हो तो उसने ना साइज़ खुद ब ऑटोमेटिकली बनाए हुए हैं, सो यू डोंट नीड टू रीसाइज एनी पिक्चर, साइज़ जो है ना वो ऑटोमेटिकली उन्होंने बनाए हुए हैं हर कैटेगरी के हिसाब से। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ है तो वो उन्होंने इस तरह किया हुआ है, इंस्टाग्राम स्टोरी के जो साइज़ होंगे वो उन्होंने अलग बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, साइज़ पहले से तैयार हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सा एक काम नहीं करते, जैसे कोई भी आप खैर यहाँ पे देखो बहुत सारे जो है वो डिज़ाइंस इन्होंने दिए हुए हैं, ये रिसेंट यूज़ हैं जो मैंने जो है अभी यूज़ किए हुए थे, ठीक है। अब देखो अभी हमारे पास ज़्यादा कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस के पोस्ट इन्होंने दे दिए हैं रेडी टू मेड बने हुए, ठीक है। सेकंड लव इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, फूड इंस्टाग्राम पोस्ट हैं। अब अगर हम फूड इंस्टाग्राम पोस्ट पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो अगर फर्ज करो याला जो पोस्ट है आपका थर्ड वन, ठीक है, यहाँ पे हम आ गए, ये रेडी टू मेड पहले से पोस्ट बना हुआ है। नाउ ऑल यू गाइस हैव टू डू इज़ टू एड इट सम लिटिल थिंग्स, ठीक है, जो आई टीच यू किस तरह करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो सबके अलग अलग, ठीक है, ये देखो फ्रेम्स आ रहे हैं, सही आ गए। अब आप सपोज़ के आप जो है किसी क्लाइंट आपके पास आया हुआ है जो कि जिसका रेस्टोरेंट है, सही है, अब आपने उसके लिए पोस्ट बनाना है तो बेस्ट है। देखो बैक पे देखो बर्गर भी मिल रहे हैं आपको, फ्राइज़ भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम चेंज करना है। देखो यहाँ पे आए,
डबल क्लिक किया, हटा दिया। नाम समझ लो हमने ऐसी एग्जांपल है, नाम रख लेते हैं फूड इन ठीक है। ये हमारा हो गया रेस्टोरेंट का नेम, फूड इन हो गया, फ्राइज फॉर ऑल ठीक है। यहाँ पे जो है आपने जो चीज़ें थोड़ी बहुत एडिट करनी है तो आप एडिट कर लो, सही है। फिर अगर आपने कोई लोगो डालना है ठीक है, चलो हम लोग कोई लोगो एक सर्च कर लेते हैं, फ्री लोगो PNG सही है, लोगो ठीक है, कौन सा लोगो हम लें, एक मिनट, फूड लोगो PNG फूड लोगो PNG ठीक है। चलो जस्ट सपोज कि एक हमारे सामने एक लोगो आया है ठीक है, सॉरी अब आपने किया इसको सेव, डेस्कटॉप पे आपने सेव कर दिया ठीक है। तो देखो आपकी फाइल जो है ये डेस्कटॉप पे आ गई ठीक है। आने के बाद आपने क्या करना है कि आप आए अपने ही पोस्ट पे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अपलोड्स में आने के बाद यहाँ पे आपने जो आपका लोगो है आपके फाइल जहाँ पे आपने रखा हुआ होगा उस लोगो को डबल क्लिक करना है और आपने इसको अपलोड करना है। ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा, वेट शायद कोई इशू है लोगो में, एक मिनट चलो यार डाउनलोड करते हैं। ठीक है इंस्टाग्राम पे आए आपने, देन यहाँ से अपना लोगो अपलोड किया, देखें आपका लोगो जो है वो अपलोड हो गया, यहाँ पे ये अपलोड्स चल रहा है, अपलोड हो गया। देन आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा अब इशू ये है कि अब आपका जो लोगो है वो बैकग्राउंड फ्री होना चाहिए ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए, ये जो है ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है। अब अगर आपने लोगो को ट्रांसपेरेंट करना है, अब आपका क्लाइंट वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो लोगो नहीं है, तो इसी को किसी तरीके से अरेंज डाल दो ठीक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन, एक सबसे पहले तो आप इसको डिलीट करो ठीक है, एक वेबसाइट है ठीक है, उसका नाम है बैकग्राउंड रिमूवर, ये है remove.pg ठीक है। जैसे आप remove.pg पे आते हैं ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो अपने जो फाइल है उसको सेलेक्ट करना है और उसको अब यहाँ पे अपलोड करना है। ये हमारा लोगो था ठीक है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट हमें तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए हमें, क्योंकि पोस्ट पे हमें लगाना है ठीक है। तो अब आपने इसे ओपन किया, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जो है बस आपने इसको अपलोड करना है, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगा ठीक है। तो अब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, शो इन फोल्डर, कॉपी डेस्कटॉप ठीक है। फिर अब हमने इसका रीनेम कर दिया BG remove ताकि हमें पता चल जाए कि यार हमने जो ये लोगो था ये हमने रिमूव, इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने रिमूव किया है ठीक है। देन हम अगेन इंस्टाग्राम पे आए, ये देखो आपका पहली जो लोगो था जिसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, अब आपने क्या किया है जो BG remove ठीक है यहाँ पे आए। अब आप देखो कि इसने क्या, दोनों में क्या फ़र्क आया, इसका जो बैकग्राउंड है क्योंकि इसके बैक पे जो है वो बैकग्राउंड था ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं था तो यहाँ पे वाइट शो हो रहा था, अब इसके बैक पे कोई बैकग्राउंड नहीं है तो इसके बैक पे जो इसका जो अपना थीम कलर है जो वेबसाइट का कैनवा का वो ही शो हो रहा है। देन सिंपल बस आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक किया ठीक है, आप यहाँ से आप इसको रिसाइज कर लो या जहाँ पे आपको इसको लगाना है वहाँ पे आप इसको इस तरह लगा दो, ये देखो ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, लोगों को थोड़ा सा और छोटा कर दें, थोड़ा सा साइज ठीक है। तो ये आपका लोगो इस तरह यहाँ पे लग गया, तो ये आपका एक बन गया पोस्ट। सेकंड, अब अगर क्लाइंट कहता है कि भाई आपके पास मुझे जो है ना ये वाली पिक्चर तो चाहिए नहीं, मेरे पास मेरी अपनी पिक्चर्स हैं तो मैं आपको पिक्चर्स दूंगा, तो आपने वो वाली पिक्चर लगानी है, तो सेम
एज इट इज़ जिस तरह आपने लोगो लगाया है इसी तरह आपको पिक्चर लगानी है। बता दूँ किस तरह, यहाँ पे जैसे कोई भी बर्गर की पिक्चर डाउनलोड करते हैं, बर्गर, ठीक है। अब हमने डाउनलोड कर ली, फर्स्ट करो ये वाली, सेव इमेजेस डेस्कटॉप, ठीक है, डाउनलोड हो गया हमारे पास। हमने डाउनलोड की, क्लाइंट अगर आपको खुद देता है तो आप क्लाइंट से ले लो, ठीक है, वरना आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, सही है। फिर यहाँ पे आके सेम आप अपने कैनवा पे आ गए, जहाँ पे आप अपना जो है वो डिज़ाइन जो है वो बना रहे हो। यहाँ पे आके आपने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद जो आपकी पिक्चर है उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर ली। अपलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अपलोड हो गई, अपलोड होने के बाद अब आपने इस पिक्चर पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करके तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू क्लिक इट, ठीक है। आपने इसको, ठीक है, यहाँ से आपने इसको पकड़ना है, ठीक है, स्क्रोल करते हुए यहाँ पे लेके आना है इमेज के ऊपर, समझे, सही है। जैसे आप इमेज पे लेके आओगे, देखो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, जो बैकग्राउंड की इमेज है वो रिमूव करके न्यू इमेज इसके ऊपर रिप्लेस कर दी उसने। क्या देखो नाउ टेल मी कैसा लग रहा है, सही है। अब आप चाहो तो इसको जैसे थोड़ा साइज में आगे पीछे भी कर सकते हो, उस पर डबल पिक्चर पे आके आप डबल क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से आप इस साइज कर दें, इस साइज कर दें, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड द क्लाइंट कि क्लाइंट को किस तरह कैसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे फ्री फ्राइज फॉर ऑल, अच्छा यहाँ पे हम कर देते हैं फ्री फ्राइज, ठीक है, सॉरी ये क्या हुआ, यहाँ पे हम कर देते हैं एक मिनट, फ्राइज एंड बर्गर, यहाँ से आप इसका साइज ऐसे, ठीक है, इससे यहाँ से आप साइज़ जैसा चाहो आप साइज़ का रिसाइज करके आप इसको छोटा बड़ा जो है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपका इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो एक बन गया। टैम्पलेट्स देखो, हाँ सेकंड फिर ये कि आप देखो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड जो है वो आप PNG में कर सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं, आई रिकमेंड के PNG में कर लो, साइज़ अच्छा रहता है। डाउनलोडिंग, ठीक है। आप इसको जैसे आप ओपन करोगे तो ये देखो, ये आपका रेडीमेड एक इंस्टाग्राम का पोस्ट बन गया। तो आज से पहले आपको नहीं पता था, बट देखो इजी, कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप ऑनलाइन गए, आपने कैनवा वेबसाइट पे गए, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने कोई भी इंस्टाग्राम का पोस्ट आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको थोड़ी सी उसमें एडिटिंग की अपने हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से, देन अब आप इसको पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे, और जिस जो इंस्टाग्राम का साइज़ है ना उसी साइज़ का है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट। इसी तरह, ठीक है, अब यहाँ से आप इसको बंद कर दें। इसी तरह जो है यहाँ पे आप टैम्पलेट्स में जाएं, यहाँ पे जाने के बाद आप इंस्टाग्राम स्टोरी कर बना सकते हैं, फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, फेसबुक के कवर बना सकते हैं। अब फेसबुक का कवर, इवन अगर आप कोई जैसे पेज बनाते हो या आपकी अपनी प्रोफाइल है उसका जो कवर है, ठीक है, उसको अगर आप बनाना चाहते हो सो ईजी है, ठीक है, इसमें कोई आपको साइज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने डायरेक्ट सेलेक्ट करना है फेसबुक कवर, ये आ गए रेडीमेड फेसबुक कवर्स, ठीक है। यहाँ से आके आपने क्रिएट अ ब्लैंक पे क्लिक करना है, ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये आ गया आपका फेसबुक कवर का प्रॉपर साइज, जो साइज फेसबुक पे है वही सेम साइज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपने, अभी हमने जैसे कि एक फूड का बनाया था, रेस्टोरेंट का बनाया था, इसी तरह अभी हम लोग कवर में भी जो है कोई रेस्टोरेंट की थीम रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक मिनट, आप टेम्पलेट भी सर्च कर सकते हो, फूड, ये आ गए फूड्स, फूड 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 फूड, ठीक है,
फूड्स के देखो कितने सारे ज़बरदस्त किस्म के आ गए, कोई भी एज यू विश जो चाहो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। देन उसके बाद आपको थोड़े से ऐड करना पड़ता है। आप जैसे कि फ़र्ज़ करो मैं सिलेक्ट करता हूँ, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, कोई भी कर लो, ठीक है, इसको जिसको लाइक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें तो है पिज़्ज़ा, लेकिन जो हमने फेसबुक का जो पोस्ट, इंस्टाग्राम का जो पोस्ट बनाया था वो था, उसमें था बर्गर, ठीक है। अब हमें चाहिए बर्गर, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम जाएंगे अगेन जो हमने बर्गर सर्च किया हुआ था यहीं से जाके हमने, या तो इसी को आपने जो डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, तो डोंट नीड टू डाउनलोड एनीथिंग। अगर क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ये पिक्चर चाहिए अपने इंस्टाग्राम अपने कवर पे, तो उससे आप ले सकते हो, ठीक है। आप अपने अपलोड्स पे गए, कोई न्यू पिक्चर है तो आपने यहीं से अपलोड करनी है, ठीक है, और अगर नहीं है जो ऑलरेडी अगर आपका पिक्चर है तो आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे लेकर आना है, सिंपल। देखो क्या किया, कुछ किया आपने, पिक्चर का साइज चेंज किया, कुछ भी नहीं। तो यार इतना बेस्ट है कैनवा, ठीक है, कि आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है कुछ इतना करने की। ऑटोमेटिकली क्या करता है कि सारी चीज़ों को रिसाइज करके उसके हिसाब से उसको सेट कर देता है, ठीक है, सिंपल। बस आपने ड्रैग देन ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भी वही हमने नाम रखा था फूड, फूड्स इन कर दो, या फूड इन था, हमने फूड इन रखा था बैक पे, फूड इन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बर्गर एंड फ्राइज, तो ये सिंपल सा बन गया है आपका फेसबुक कवर। अब सिंपली क्लाइंट कहेगा कि यार लोगो भी लगा के दो, तो कोई बात नहीं यार, लोगो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस अब इसको आप अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्या होगा, वो पिक्चर हट जाएगी, ये देखो पिक्चर हट गई। अगर आप, कोई बात नहीं, अगर ऐसी गलती हो भी गई तो आपने सिंपल कंट्रोल सेट करना है, कंट्रोल सेट करेंगे तो बाकी दोबारा वो नॉर्मल पे हो जाएगा, आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने रिसाइज किया इसको, थोड़ा छोटा किया, चाहो तो उसके ऊपर भी लगा सकते हो, इट विल लुक गुड, ये देखो। सिंपल हो गया, कितना इजी था, ठीक है। अब सिंपल सा आपने यहाँ पे लगा दिया, लिख दिया फेसबुक कवर, ठीक है, फूड इन का फेसबुक कवर, डाउनलोड डाउनलोड PNG, डाउनलोडिंग, ठीक है। अब अगर आप इस पर क्लिक करके देखो तो ये आ गया आपका फूड इन का प्रॉपर फेसबुक कवर, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई ये आ गया आपका फेसबुक का प्रॉपर कवर, ठीक है। अब लाजमी सी बात है, क्लाइंट कहता है कि मुझे फेसबुक के रोजाना के पोस्ट भी चाहिए, तो अब आपने सिंपल सा क्या करना है, कुछ भी नहीं, जिस तरह यहीं पे सेम आपने, चलो इसको तो हटा दिया, यहाँ पे आप आए, आपने अगेन टैंपलेट्स में आए, टैंपलेट्स में आने के बाद आपने देखा फेसबुक पोस्ट, यहाँ इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपने लिखा फेसबुक, ठीक है। अब आपके क्लाइंट को जो चीज़ की नीड है तो यू गाइस जस्ट हैव टू सर्च हियर, अगर फेसबुक की कोई चीज़ उसको चाहिए तो आप यहाँ फेसबुक लिख दो, आपको इंस्टाग्राम की चाहिए इंस्टाग्राम लिख दो, यूट्यूब की कोई चीज़ चाहिए तो वो यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। फेसबुक लिखो, फेसबुक लिखने के बाद देखो फेसबुक के एड्स, फेसबुक ऐप एड्स, ठीक है, फेसबुक के कवर, इवेंट कवर, पोस्ट, फेसबुक के शॉप, फेसबुक स्टोरी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, वो भी फ्री में, क्या बात है। अब हम आ गए हैं फेसबुक पोस्ट पे, जैसे हम यहाँ पे फेसबुक पोस्ट पे आए तो ये देखो हमें क्या करना है, फेसबुक के पोस्ट हमें मिल गए हैं, बट हमें यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक पेज लेकर आना है। एक्चुअली ब्लैंक पेज इसलिए लेके आना है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो पोस्ट डिसाइड सेलेक्ट कर सकते हो और उसको उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक पोस्ट, हाँ तो भाई ये देखो ये आ गए पोस्ट, ठीक है। क्यों, अब हमारा काम था बर्गर का, अब हमें जो है ना इस पर भी हम बर्गर से रिलेटेड ही पोस्ट बनाते हैं, ठीक है।
अब क्लाइंट कह रहा है कि मुझे बर्गर की पिक्चर्स अलग चाहिए और फ्राइज की पिक्चर जो है वो मुझे अलग चाहिए। अब सिर्फ यहाँ से आपने टैम्पलेट ढूंढना है, टैम्पलेट कोई भी टैम्पलेट हो, ठीक है, ये मूवी टैम्पलेट है, कोई भी टैम्पलेट आपने यहाँ से ढूंढना है। चलो फर्स्ट करो हम यही वाला टैम्पलेट पे वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो जो ब्लॉक्स बने हुए, ठीक है, ब्लॉक्स इस तरह के बने, इस पर कैनवा लिखा हुआ है, तो एक्चुअली दीज पिक्चर्स आर नॉट फ्री, ठीक है, ये पेड पिक्चर्स हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करोगे तो आपसे कहेगा कि अगर आपको प्रीमियर पिक्चर चाहिए तो इसके लिए आपको 1.98 pounds आपने पे करने, तो हमें तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें तो वैसे भी यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे बर्गर और फ्राइज की पिक्चर। तो आपने यहीं पे आना है, आपने यहाँ पे सिंपल बर्गर देखना है, ये रहा एक सिंपल एक बर्गर, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लें, सेव इमेजेस, ठीक है। फ्राइज की आपको पिक्चर्स चाहिए तो आपको फ्राइज की पिक्चर्स भी यहाँ से FRIES फ्राइज, ये आ गई आपकी फ्राइज की पिक्चर, कोई अच्छी सी पिक्चर हो, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट करे, आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। चलो लेट्स सी दिस वन, सेव इमेजेस, स्टॉप, ठीक है। आपने दोनों पिक्चर्स आपके पास आ गई, आपको फ्राइज की पिक्चर भी आ गई, आपको बर्गर की पिक्चर भी आ गई। अगर पिक्चर सही नहीं लगी तो डोंट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम चेंज कर देंगे। सिंपल सा आप अपने डिज़ाइन पे आए, डिज़ाइन पे आने के बाद आपने सबसे पहले पिक्चर अपलोड करनी है, ये रही आपकी पिक्चर, और सेकंड कंट्रोल दबा के कोई दूसरी पिक्चर अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल दबा के आपने दूसरी पिक्चर सेलेक्ट की और उसको ओपन कर दिया। काम बोलो 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 बोलो, अब तो मैं कर दूंगा, धन मुझे 10 minutes दो फिर कर दूंगा, छोड़ो, ठीक है 10 minutes ले लो बस, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने पिक्चर्स जो है अपनी अपलोड कर दी। अब आपने इस पिक्चर्स पे पिक्चर आपने करनी, तो आपने सिंपल से क्या करना है, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, सिंपल क्लिक करोगे तो देखो डायरेक्ट पिक्चर इस तरह आ जाएगी, तो हमें क्लिक नहीं करना, सही है, ठीक है, हमने करना है ड्रैग देन यहाँ पे ड्रॉप, सिंपल, सही है। इसी तरह फ्राइज की भी ड्रैग देन यहाँ पे ड्रॉप, ये हो गए आपका यहाँ पे। अब आप थोड़ी सी चेंजेस कर दो, यहाँ पे आप लिख दो इसको बर्गर, यहाँ पे आप लिख दो, खैर यहाँ पे लिख नहीं सकते, ये चेंज है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट करके डिलीट डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, आप यहाँ एलिमेंट के सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आ गई शेप्स, ठीक है, शेप्स पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो ये शेप इस तरह आ गई, इसने ऑटोमेटिकली कलर भी सेलेक्ट कर लिया थीम से रिलेटेड, जो आपकी पिक्चर की जो थीम है उस रिलेटेड इसने कलर भी सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको सिंपल सा इसको भी रिसाइज आप कर सकते हो अपनी मर्जी से जैसा आप चाहो, ठीक है, यहाँ पे आ गए आपने कर लिया, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है, आई विल गो फॉर ब्लैक, डन, ब्लैक में फिर आपने इसके ऊपर लिखना है टेक्स्ट, ऐड अ सब हेडिंग FRIES पे आपने कर लिया। अब आपने इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद ये जो A लिखा हुआ है यहाँ से आप अपना कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपने इसको कलर कर दिया वाइट ताकि ब्लैक पे वाइट नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गए आप वाइट कलर, ओके, इसको और छोटा कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, डन, चाहो तो इसे थोड़ा सा नीचे कर लो, फ्राइज, फ्राइज, डन, यहाँ पे सिंपल यही, यहाँ पे आपने फर्स्ट करो कोई डील चल रही है तो यहाँ पे आपने लिख दिया 30% off for every new
कस्टमर, ठीक है, फॉर द एवरी न्यू कस्टमर. तो 30% ऑफ है हर कस्टमर के लिए, ठीक है. यहाँ पे आपने फूड इन, आपने रेस्टोरेंट का नाम लिख दिया. अब अगर चाहो ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये बैकग्राउंड पे लाइंस आ रही हैं, अगर नहीं पसंद है नो प्रॉब्लम, बैकग्राउंड सेलेक्ट करो देन डिलीट, बैकग्राउंड डिलीट हो गया. अब ये आ गई इमेज पिक, मतलब ये बैकग्राउंड जो है अब आपका खाली है तो आप उस पर कोई भी कलर रख सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट ब्लैक, ब्लैक कर लीजिए, वाइट करना चाहो वाइट कर लो, ब्लैक लुक गुड, अच्छा लग रहा है बट थीम के हिसाब से नहीं हो रहा. बर्गर है, बर्गर के लिए थोड़ा सा डार्क, दिस लुक सो गुड, ठीक है. बैकग्राउंड ये इस तरह, ठीक है. तो ये हो गया आपका, सब चीज़ें हो गई चेंज. वेट, इसको कलर भी चेंज कर देते हैं, ब्लैक इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ताकि अच्छा लगे. एवरी न्यू कस्टमर दिस थिंग दिस लुक गुड, इसको वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर एज वेल, इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, कलर थीम फूड. तो ये बन गया आपका फेसबुक का जो पोस्ट है वो बन गया इस तरह ना. तो अब आप देख सकते हो कि कितना ईजी था पोस्ट, जो है वो एक्चुअली इस टाइप का था, लेकिन अब हमने उसको थोड़ा सा एडिट करके. बस हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको थोड़ा सा ना क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है. अगर आप थोड़ा बहुत या थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है. तो इस तरह हमारा जो है वो पोस्ट बन गया है. पोस्ट जो है वो मैंने दोबारा से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. वेट, PNG फाइल, ये देखो ये है हमारा पोस्ट फेसबुक. अब देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, मतलब इसका लुक देखो. तो अब आपका क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर तो बेकार है ना. तो इसी तरह ये जो है आपने बना दिया फेसबुक पोस्ट. तो अभी तक हमने जो बनाया है सिर्फ कैनवा के उस पर, ठीक है, मतलब इसमें आपको कोई एडिटिंग आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आपने क्या क्या किया है अभी, आप हमने जो है स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया था, फिर हमने जो है वो फेसबुक का कवर बनाया, देन हमने फिर फेसबुक पोस्ट बनाया, ठीक है. अब क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट कहता है कि मुझे, मैंने अपना चैनल भी बनाना है यूट्यूब का, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब तो माशाल्लाह बहुत ही चल रहा है हर कोई. तो मैं चाहता हूँ कि चैनल भी मुझे चाहिए, तो मुझे अपने चैनल का थंबनेल चाहिए, चैनल आर्ट चाहिए, और चैनल जो लोगो है वो तो डायरेक्ट चैनल के उस पर लग जाएगा, बट चैनल मुझे चैनल आर्ट चाहिए. अब मैं आपको बताता हूँ कि चैनल आर्ट होता क्या है, पहले तो ये सुन लो. अब आप किसी के भी उस पर चले जाओ, जैसे कि अच्छा ये जो आपको पिक्चर्स दिख रही है ना, जैसे जिस पर लिखा हुआ है, एक मिनट, ये इसने छोटा सा कैमरा पकड़ा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आइसोलेशन लिखा हुआ है, ये है चैनल थंबनेल, ठीक है. ये नीचे पैरेट बना हुआ है, ये थंबनेल है, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल है. जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पे नीचे वो पूछता है कि आपको कौन सा थंबनेल डालना है, तो ये थंबनेल होता है. अब ये देखो चार लोगों की जो है वो पिक्चर है, तो इट्स अ थंबनेल, ठीक है. तो ये तो हो गया थंबनेल, पता चल गया. अब मैं आपको बताता हूँ चैनल आर्ट क्या होता है. अब आप देखो किसी भी उस पर जाएँ, एक मिनट, ये जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, दिस इज़ ये चैनल का प्रोफाइल पिक्चर है हमारी, ठीक है. इसमें जो है हम प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे. ये जो है चैनल आर्ट है. क्या है? चैनल आर्ट, ठीक है, समझ में आया. ये है चैनल आर्ट. अब क्लाइंट कहता है कि यार मुझे जो है वो चैनल आर्ट चाहिए. अच्छा
से एक क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है वो चैनल आर्ट चाहिए और मुझे जो है ना अपनी कंप्लीट यूट्यूब की एक वीडियो बनानी है, ठीक है, मतलब वीडियो का चैनल जो है ना वो सही करना है। तो अभी हम सबसे पहले बनाते हैं क्लाइंट के लिए चैनल आर्ट, ठीक है। तो इस सेकंड सेम हम कैनवा पे जाएंगे, कैनवा पे जाके मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करो रिलेटेड टू सोशल मीडिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब। जैसे हम यूट्यूब लिखते हैं तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा यूट्यूब चैनल आर्ट। हम यूट्यूब चैनल आर्ट पे आए। अब यहाँ से आपने ब्लैंक पे क्लिक किया। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखना पड़ेगा वेट कि कौन सा सूट करता है, क्योंकि वो हमारा बर्गर से रिलेटेड है, इसलिए बर्गर से रिलेटेड है। एक काम करते हैं, कोई भी कर लो, ठीक है। जस्ट सपोज कि हमने ये कर लिया। अब हमें ऑब्वियसली बर्गर शो करना है, तो बर्गर की पिक्चर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको पिक्चर रिप्लेस करने के लिए ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग किया यहाँ से इसको, यहाँ पे हम लेकर आ गए, ड्रॉप कर दिया। सिंपल भाई, सिंपल। तो ये बन गया चैनल आर्ट। यहाँ पे लिख देना है आपने फूड इन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है बर्गर, एक मिनट, बर्गर एंड फ्राइज, फूड इन बर्गर एंड फ्राइज। ये बन गया आपका चैनल आर्ट। अच्छा, अब एक चीज़ और हमें देखनी है कि जो फूड इन है, ठीक है, और ये बर्गर आर्ट है, ये ना एक साथ हो रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई ये अलग अलग हो ताकि मुझे एडिट करने में आसानी रहे, ठीक है। एक साथ ना हो, करना कुछ भी नहीं है, आपने इस पर क्लिक करना है। देखो दोनों चीज़ें एक साथ सेलेक्ट हुई हैं। आपने यहाँ पे आके इसको करना है अनग्रुप, ठीक है। जैसे ही आप अनग्रुप करोगे तो देखो दोनों, एक मिनट यहाँ पे क्लिक करो, दोनों अलग अलग सेलेक्ट हो गए। देखो अभी बर्गर अलग मूव हो रहा है, फूड इन जो है वो अलग मूव हो रहा है। गॉट इट। अब जो फूड इन है ये जो है ना थोड़ा सा सही से विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो फूड इन है ना हो भी वाइट में और थोड़ा विजिबल हो। तो इसके बैकग्राउंड पे जो है ना ब्लैक शेडो डालना है, शेडो डालो या ब्लैक थोड़ा सा ऐसा कुछ आए कि जिससे ना ये थोड़ा विजिबल हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो फूड इन है, फूड इन जो है इसी को उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आना है, देखो यहाँ पे डिलीट के बराबर में ही है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो एक और फाइल सेम एज इट इज ऐसे ही आपके सामने आ गई, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको ये सिलेक्ट ऑलरेडी हुई हुई है, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके इसको ब्लैक करना है, ब्लैक कर दिया। अब आपने इसको इसके बैक पे लेके आना है। बैक पे लाने के लिए आपने पोजिशन करके बैकवर्ड करना है। जैसे आप देखो बैकवर्ड 2-3 टाइम्स करके देख लेना तो बैकवर्ड हो गया। बैकवर्ड जैसे कि आप पोजीशन पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपने इसको एरो कीज से इसको सेट करना है ताकि ऐसा लगे कि इसके बैक पे शेडो है, ठीक है। तो ये अब देखो फूड इन, अब कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो है ना मतलब मिक्स नहीं हो रहा पिक्चर के साथ, अलग सा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बन गया आपका चैनल आर्ट। अब आपने इसको सिंपल फेसबुक फूड इन के बाद लिखना है, यहाँ पे लिखना है यूट्यूब चैनल आर्ट, चैनल आर्ट करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। प्रिपेयरिंग योर डिजाइन, जैसे वापस में क्लिक करोगे तो ये देखो ये आप बन गया आपका चैनल आर्ट डन, ठीक है। अब हमने बनाना है, क्या बनाना है, अब हमने बनाना है थंबनेल, ठीक है। थंबनेल बनाना है उनकी पहली वीडियो के लिए। थंबनेल बनाने के लिए सेम आप यहाँ से हटा दो, सब चीज़ें हटा दो, आप कैनवा पे चले जाओ, सिंपल canva.com, ठीक है। यहाँ पे सर्च में जो है आपने यूट्यूब का, यूट्यूब लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे है ये यूट्यूब थंबनेल। जैसे आप थंबनेल पे क्लिक करोगे देखो आपका कितने सारे थंबनेल्स ओपन हो गए। आपने सिंपल ब्लैंक पे पहले क्लिक किया, ब्लैंक पे जैसे आपने क्लिक किया आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो जो आपका दिल करे, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको एडिट करना है, अब आप
पिक्चर्स में जाएं, पिक्चर्स में जाने वाले हो क्लाइंट की, या तो पिक्चर सॉरी अपलोड्स में जाएं। अच्छा, इनकी अपने फोटोज भी होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरी। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इनकी फोटोज जो है ना वो सारी पेड होती हैं। पेड लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा आपको कभी भी। आपने यहाँ फोटोज में आना है, फोटोज में आने के बाद आपने यहाँ करना है बर्गर। अगर चाहो लेना यहाँ से तो ले लो, वरना अगर आपको क्लाइंट दे तो ज्यादा अच्छा है। बर्गर पे आपने क्या किया, देखो ये देखो लिखा आ रहा है फ्री फ्री, तो ये जो फ्री है ना, तो यू गाइस कैन यूज दिस, ठीक है। बट इस पे जिस पे ये प्रो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आप यूज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। कर सकते हो, अगर पे करना चाहो तो पे कर लो, गॉट इट। तो अब अगर हम इसमें से चलो कोई अच्छी सी पिक्चर निकालते हैं, दिस पिक्चर्स लुक सो गुड, अच्छा जी, थोड़ी सा पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं, और ये चाहो तो ये भी रख सकते हैं, दिस वन लुक मोर बेटर, ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। चलो नहीं छोड़ो, उसी पिक्चर को करते हैं, ताकि पता चले कि अगर हमें पिक्चर वही क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे तो यही वाली पिक्चर चाहिए, इसी पे एडिट करके दो ताकि हमें अच्छा लगे। ए, हमने हमने यही वाली पिक्चर हमने इसकी क्लाइंट के हिसाब से डाल दी। डालने के बाद लाजमी बात है, यहाँ पे देखो ये बुरा लग रहा है, तो उसको पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद पहले तो खैर इसको पढ़ लिया, उसको बाद में देखेंगे। ये जो साइड है, साइड में भी कुछ करते हैं। साइड के सीन ये है कि हम यहाँ पे रखते हैं किसी बंदे की ये जगह, डाल दिया इसको हमने फिल्टर, फिल्टर को हटा दो, इसको हमने हटा दिया। हटाने के बाद जो है सेलेक्ट करने के बाद इसको लिया यहाँ पे, और इस पिक्चर को उठा के लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा थोड़ी सी इसको एडिटिंग करते हैं, कंट्रोल ए सब सेलेक्ट हो गया, फूट इन, फूड इन, यहाँ से इसका चेंज करते हैं ये फूड इन, सूट नहीं कर रहा, कोई दूसरा फूड इन, नहीं रिसेंट अच्छा लग रहा था, रिसेंट लुक, बट ठीक है, इसको यहाँ से ही हटा दो। एक पिक्चर यहाँ लिया, फूड इनको लेकर आओ यहाँ पे, इनका जो लोगो था वो है हमारे पास, ये क्लिक किया, क्लिक करने से लोगो इनका यहाँ पे आ गया, दिस लुक गुड। सेकेंड हमने यहाँ पे लिख दिया, और फर्स्ट करके इसको हमने स्टाइलिश कर दिया, थोड़ा सा स्टाइलिश करने के बाद इसको हमने ओके किया, फर्स्ट डन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अच्छा लग रहा है। बाकी देखो एक्चुअली देखो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, कुछ चीजें क्लाइंट पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। अब आप ही क्या करना है, इसको बना के क्लाइंट को देना है, देन क्लाइंट कहता है कि नहीं यार मुझे ये लोगो यहाँ नहीं, मुझे लोगो यहाँ पे चाहिए, या मुझे पिक्चर याद नहीं, मुझे दूसरी पिक्चर चाहिए। तो ये है, तो ये मैंने बस सिंपल सा आपको चीज बताई है कि आप इस तरह से जो है कर सकते हैं, देन आप इसको डाउनलोड कर लें। सी डाउनलोड करने के बाद कैसा लगता है,
से क्या है, डाउनलोड हो गया। अच्छा, कुछ पिक्चर होती हैं जो कि आपकी जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी, कुछ पिक्चर होंगी जो कि आपकी देर में डाउनलोड होगी। एक्चुअली होता ही है कि ये सब साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो चैनल आर्ट है यूट्यूब का, उसको साइज ज्यादा चाहिए, ठीक है। वो लगता है इसमें सेम ही है, बट उसको साइज ज्यादा चाहिए, उन्होंने उसकी साइज कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है सारी, तो इसलिए वो MB के अंदर है, वो थोड़ी फाइल उसकी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसा है ये। ओ सो गुड, मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो हमने बना ली ये सारी चीजें, अब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं अब हम, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, पिंटरेस्ट ग्राफिक, टी शर्ट। कॉल करता हूँ ना, हटा दूंगा, कॉल करता हूँ। ठीक है, तो भाई अब क्लाइंट ने कहा कि भाई मेरी सारी चीजें बन गई हैं, अब मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मुझे जो है ना वो टी शर्ट्स अपनी प्रिंट करवानी है, अपने लोगों की, जिसमें बिग बर्गर की पिक्चर हो, ताकि मैं जितने भी अपने वेटर्स वगैरह हैं उनको पहना सकूँ। डन, हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। हमें अगर फोटोशॉप नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमें कैनवा चलाना आता है। तो हम गए टी शर्ट पे, टी शर्ट पे हम गए। अब ये है टी शर्ट डिजाइन जो टी शर्ट पे प्रिंट होता है, ओके। ठीक है, डन। तो कुछ अच्छा सा डिजाइन बना के देना है टी शर्ट का, जिसमें एक बर्गर हो और बर्गर जो है वो बड़ा अच्छा सा लग रहा हो, और बैकग्राउंड ना हो, बैक सिर्फ बर्गर हो, ठीक है। मतलब क्लाइंट ये कहता है कि यार मुझे सिर्फ एक बर्गर की पिक्चर चाहिए जिसमें बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे व्हाइट शर्ट पे प्रिंट करवाना है और उसपे जो है वो हमारा नाम लिखा होना चाहिए, सिंपल, इतना आसान, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्रिएट अ ब्लैंक टी शर्ट, ठीक है। ये तो आ गया ब्लैंक। अब हमें चाहिए बर्गर जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने वेबसाइट बताई है ये वाली, remove.bg, ठीक है। remove.bg पे आपने आना है, आने के बाद जो है आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। अब अपलोड ऐसे करनी है कि पहले देखना है हमें कि कौन सी पिक्चर, लेट्स सी, यारी करके देखते हैं। पिक्चर दो तीन अपलोड करके देखनी पड़ी किस तरह से ही करता है, ठीक है। अब ये देखो क्या किया इसने, इसने बर्गर और फ्राइज को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, और जो बैकग्राउंड में जितनी चीजें थी वो सब इसको रिमूव कर दिया इसने, डाउनलोडेड, ठीक है। डाउनलोड कर लिया, और भी कर लो ताकि हमें एंड में प्रॉब्लम ना हो। डन, रिमूव, लेकिन रिमूव में ये इश्यू आ रहा है, एडिट। अच्छा, यहाँ पे ना आप एडिट भी कर सकते हैं, रेस टूल, ये देखो, सिंपल, डन, डाउनलोड, डाउनलोड इमेज, और अब दो इमेजेस जो हैं वो आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हम आ गए अपनी टी शर्ट के डिजाइन पे, जो कि हमने पूरा ब्लैंक हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे अब हम अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। ठीक हाँ भाई, कहाँ पे थे हमारे डिजाइन, सारे डिजाइन जो है वो हमारे सारे यहाँ पर हैं। ये देखो, ये तो है, ये रहे, ओपन कर लो उसको। ठीक है, अपलोड हो रहे हैं, हो गए अपलोड, ठीक है। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना,
हमने क्या करना है, क्लिक करना है। देखो अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं तो क्या होता है, खैर ये इस तरह आ रहा है तो हमें इस तरह नहीं चाहिए। हमें जो है वो, बाय द वे वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए। क्लिक, ठीक है, अब ये हो गया हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से इसको स्क्रॉल मतलब जितना चाहे छोटा करें, जितना चाहे हम इसको बड़ा करें। ठीक है, ये तो हो गया पिक्चर हो गई। फिर हमने इनका लोगो, देखो यहाँ पे है लोगो भी, हम लोगों ने इनका यहाँ पे डाल दिया, लोगो थोड़ा छोटा किया हमने। यहाँ पे हमने लिखा फूड इन हेडिंग फूड इन, ओके, वैसे तो फूड इन होता है लेकिन हमने फूड इन फूड इन फूड इन किया हुआ है बहुत ज्यादा। से यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया ताकि थोड़ा प्यारा लगे, अगेन थोड़ा सा इसको नीचे ले आए, इसको देख लो जिस तरह अच्छा लगे। नहीं सर, इसको हमने और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज सेट करना है। हाँ, फूड इन बर्गर की पिक्चर्स आ गई। और अब क्या करते हैं, ठीक है, एक चीज और लगती है कि हमने स्कीम रखी हुई है, बाय वन कैच वन फ्री। ठीक है, फ्री को जो है वो हम इंटर करके नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा उसको सही करेंगे, बाय वन कैट वन फ्री। सॉरी क्या हुआ, ये हमने कर दिया इसको बड़ा। ठीक है, अब हमने सिर्फ सिलेक्ट किया इसको, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से सामने और हैवी कर दिया, एक मिनट, इसको हमने थोड़ा सा छोटा किया है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में ना गैप बहुत ज्यादा है, तो अब हमने इसका गैप खत्म करना है। गैप खत्म करने के लिए आप ये देखें स्पेसिंग, स्पेसिंग जो है वो आपने खत्म करनी है लाइन हाइट से, ताकि थोड़ा सा ये अच्छा लगे। खैर सिंपल एक आइडिया है कि ये हमारे शर्ट का एक डिजाइन बन गया। ठीक है, तो बस अब इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इस तरह डाउनलोड हो गया ये, अब डाउनलोड जैसे ही होता है देन हम इसको चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। ये हमने किया ओपन, ओह नाइस, तो ये आपका शर्ट प्रिंट का डिजाइन है पूरा जो कि शर्ट पे प्रिंट होगा। तो गाइस इस तरह जो है आप कैनवा पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो आज हमने जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और जो चाहो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। अब आ गई लास्ट कि आप लोग अर्निंग कैसे करेंगे, आप लोग क्लाइंट कैसे मिलेंगे, और अर्निंग किस तरह होगी, और लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट किस तरह कर रहे होते हैं, या क्लाइंट का काम किस तरह करते हैं। तो इसके लिए देखो सिंपल सा ये है कि है हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है fiverr.com। fiverr.com पे आप जैसे ही आते हो तो यहाँ पे आप सर्च करो सोशल मीडिया मैनेजर। आप सोशल मीडिया मैनेजर पे जैसे ही आते हैं तो ये देखें यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं। आप जैसे फर्स्ट करो ये डिजिटल वार, ठीक है, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड पर्सनल असिस्टेंट, ओपन कीजिए। ओपन करके देखो तो ये भाई साहब जो हैं वो $10 में क्या कर रहे हैं, वन प्लेटफॉर्म, मतलब वन प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे, जितने भी प्लेटफॉर्म है जिसमें से एक प्लेटफॉर्म पे डालेंगे 3 दिन का मैनेजमेंट देंगे, मतलब 3 दिन की पोस्टिंग करेंगे वो, ठीक है, कितने डॉलर में, $10 में। स्टैंडर्ड जो है उनका वो है कि वो 3 प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे 15 दिन तक, उन पे 3 प्लेटफॉर्म पे पोस्ट डालेंगे कितने में, $50 में, $50 में। और प्रीमियम, प्रीमियम जो है वो है $100 का। अब $100 का ये 5 प्लेटफॉर्म पे वो वर्क करेंगे। देखो प्लेटफॉर्म पे वर्क करना आसान है, एक ही बनता है, बहुत इजी है, बनाते रहते हैं लोग, करते रहते हैं। 30 डेज की मैनेजमेंट है और $100 का ये वर्क करेंगे। अब सिंपल है कि अगर इन्होंने $10 पे भी इन्होंने रखा है तो यहाँ पे इनकी ऑर्डर क्यों कितने हैं, 25, ठीक है, मतलब
लोगों को इनका अकाउंट इतना अच्छा लग रहा है। और ये भाई साहब हैं कहाँ के, जरा ये भी देख लेते हैं। ये देखो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, कहाँ के, पाकिस्तान के, हमारे ही कंट्री के। सही है। तो अभी इनके पास जो मिनिमम मतलब ऑर्डरिंग क्यू हैं वो हैं 25। अगर आप 25 को 10 से मल्टीप्लाई भी करते हो, ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बनते हैं $250, जो कि है सबसे इनका मिनिमम वाला। तो ऐसा नहीं कि 25 इनका जितने भी 25 लोग हैं वो सिर्फ इस पे आए होंगे, क्या पता इनमें से आधे जो है वो स्टैंडर्ड पे होंगे और क्या पता इनमें से कुछ जो है वो $100 वाले भी होंगे। तो ऑलमोस्ट दिस गाय इज़ अर्निंग ऑलमोस्ट मिनिमम भी अगर आप करते हो तो $350 to $400 ये बंदा अर्न कर रहा है पर मंथ, ठीक है। और अगर 350 अगर जो टू चलो $250 भी अगर ये बंदा अर्न करता है, तो अब अगर आप USD में लगाएं, ठीक है, USD इंटू PKR, अब हमारा जो PKR है, सॉरी USD है, तो था 250, तो ये बंदा पर मंथ अर्न कर रहा है 41,862 रुपीज़। आई समझ में? तो इसी तरह गाइस, यू गाइस अगर ये बंदा अर्न कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो अर्न, ठीक है, अगर ये बंदा अर्न कर रहा है तो आप लोग भी अर्न कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि यार देखो रातों रात ही आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली थोड़ा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इफ़ यू वॉन्ट मी टू टीच यू हाउ टू क्रिएट अकाउंट और फाइवर के को किस तरह प्रमोट करना है, किस तरह हमने काम करना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, आई विल टीच यू किस तरह काम करना है। सही है। तो थैंक यू सो मच भाई, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत से लोग जो है वो बोर भी हो चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, थैंक यू।